अभी हम लोग आए फेरी लेने के लिए और आज गाइस मैं मेरा अपने रात का शादी है, रमजान बाद भी चालू रहता है ना? तो गाइस वेलकम टू मदर दावत के लिए खुद की मैंने मम्मी ने दे दी है। मैं और मम्मी ने मिलकर मदर को दावत दी। ये लोग ने मेरे को दावत दे दी है और देखते कल शायद कल दावत आने वाली है। गाइस क्या करें, पब्लिक इतना प्यार दे रही है, हम लोग सब बुला रहे इतना, हम लोग को तो हम लोग को जाना पड़ रहा है। हाँ तो अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, देखते कल किधर की दावत है। तो अभी रमजान में सिर्फ दावत ही दावत, कम क्या करेंगे उसको, कवर कवर के बाद लिफाफे भी नहीं दे रहे यार, सिर्फ कपड़े भी दिलाएंगे। देखो ऐसे बोलते हैं दावत पे आए ये लो लिफाफा, जाने के घर पे तो लिफाफा ना मिले ना चाहिए। देख लो भाई गाइस अभी दावत दो तो प्लीज साथ में लिफाफा भी दो। हाँ आज को लिफाफा भी, लिफाफा नहीं लाफा दो, लाफा चले दावत पे भी बुला रहे अपने को और तुमको लिफाफा चाहिए तो क्या होगा, मैं दे दूंगा माँ कल भी। अम्मी क्या बोल रहे बताओ भाई, दिखाओ अम्मी बोल रहे डर के मारे को अपने को बुलाएगा। अभी हर कोई बुला रहा है बेचारे, इतनी मोहब्बत से जिसके बाद नहीं गए उनके भी इंशाल्लाह जाएंगे, मिलेंगे कभी ना कभी। उन लोग का भी शुक्रिया जिसने कोई यूपी से बोला, कोई अपना यहाँ से बहुत जगह से बोले, अजमेर शरीफ के पास से बोले, कितने लोग ने आएंगे इंशाल्लाह। चलो अभी निकले निकलते चलो। लायला अगले मैं अगले साल से 3 महीना रोजा रखेगी, रजब शाबान रमजान। हाँ तो सबके घर पे आएंगी, सबके मैं भी आऊंगा, मेरे बिना तो आएंगी नहीं। 3 महीना लगा दो। ओके चलो फिर मिलते हैं बाद में, मिलते तो गाइस अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है और आलू का भजिया बना रही है रायला, आलू का भजिया भी आलू ही हो। मैंने तुमको आलू बोला तो तुम बोले आलू का भजिया बना रही। मैंने बोला मेरे मुंह से निकल गया दो बार कि आलू का भजिया बना रही है, मतलब तुम अब मान लेते हो कुछ भी बात के तुम हो। अरे मैंने ये बोला कि आलू का भजिया बना रहे, आलू का भजिया। अरे दो टाइम निकल जाता ना कभी मुंह से कुछ चीज, गाइस अगर आपने सुने हो ये चीज तो। अरे तो मैंने तो बोला लेकिन मैंने मेरे मुंह से ना डबल बार निकल जाता आलू आलू का भजिया बना रहा, मतलब बोलूंगा मान ली क्या कर सकते हैं, मैं तो आलू हूँ हो ना। हाँ तो तुम आलू नहीं हो, तुम ये हो। अबे क्या ही बोलूं अब, वो क्या है कुछ मत बोलो। नहीं तो अभी आए हो, नमाज पढ़ लो असर की। यस 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 ये बोली है मैं गाइस, मैं लगता हूँ ये सब हो लाइक कमेंट करके बताओ गाइस, मजा रहे ना मिर्ची और आज ग्रीन भी पहने तुमने मिर्ची। हाँ तो मतलब ये ग्रीन पहनेंगी तो भी बोलता था कोट में दिखेंगी। मैं कैप्सिकम अम्मी साइड, अरे तेरी तुम्हारी भी साइड डेटे है ये। अब ये ब्राउन कलर का है तो तुमको मैं अदरक बोलू अदरक नहीं फिर क्या ही बोले अदरक जिसे दिख रहे हो। सो गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये क्या लगा मुंह पे रायला तुमने, मुल्तानी की है, नूरानी की नहीं है, समझने वाले समझ गए, देखेगा डर जाएगा यार। ऐसे लाइट चले जाएगा तो मतलब बाहर हवा खाने के लिए निकले हो तो खिड़की के, हाँ तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, हार्ट वाला पेशेंट चले जाएगा ऊपर नहीं जाएगा डरा होने लगे। तो गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये मैडम का सॉरी ये और मम्मी जा रहे क्योंकि इन लोगों ने टेलर के यहाँ से कपड़े लेके आए तो कुछ मिस्टेक हो गई है, इतना दूर लेके गए थे और वापस इन लोग खुद ही जाएंगे अभी, लेके भी नहीं आऊंगे मैं, मैं आऊंगा भी नहीं, आऊंगा भी नहीं, मैं लेके भी नहीं जाऊंगी, मैं उसको दिखा रहा नहीं क्योंकि डरावनी दिख रही हो, चेहरे पे कुछ लगाई है। अरे चेहरे पे कुछ नहीं, मुल्तानी मिट्टी बोल रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी लगाई है तो चौपाटी की मिट्टी लगा ली उधर मजर। तो गाइस अभी मिलते हैं बाद में, बहुत पकाएंगी पकाएंगे ये, बहुत पकाते है ये, वेरी गुड। मैं आप तुमसे ही बात करता हूँ कभी कभी, समझ जबान पिछल जाती है, इधर जबान कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो गाइस मैं आ गई हूँ टेलर के पास और अभी मास्टर को दे रहे हैं कपड़े, ये माप का है, दो ऐसे माप का, सेम वही माप का करना प्लीज, और
क्या बताऊँ, इतनी तारीफ की थी मैंने मास्टर की और मास्टर ने कपड़े खराब कर दिए। देखते हैं अभी मास्टर सही सीते हैं तो फिर बताते और मास्टर की तारीफ कर देंगे, है ना मास्टर? मास्टर गुस्से में बोलेंगे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं देखते हैं मास्टर को कपड़े देते हैं, मास्टर भी देखते कभी देते हैं। ये चौड़ाई पर है, चौड़ाई का सिर्फ गाइस। आज पहली बार मैं मजर को लेके घुसी हूँ। कहाँ घुसे मजर अपन? क्या घुसे, किधर घुसे समझ के मारू नाखुदा, क्या कहना चाहोगे नाखुदा? फाइनली आज इतने दिन बाद मैं मजर को लेके नाखुदा मोहल्ला आ गई हूँ और उनका रिएक्शन भीड़ में तो इतना गंदा था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी हम लोग आए हैं, क्या शॉप है आंटी? अपर शॉप का नाम क्या है? हमारा हजरत शाह शराफत स्टोर। क्या जोर से आंटी? ये हमारी हजरत शाह शराफत स्टोर है जी, स्टाइल है। अच्छा, नाखुदा मोहल्ले में है तो अभी यहाँ है। देखो दुआ करो मेरा यहाँ मिल जाए तो अच्छा है, वरना मजर को लेके नहीं तुम भी आएंगे अकेले नहीं। तो गाइस देखते हैं अगर यहाँ मिला तो ठीक, वरना आगे और भी दुकान है वहाँ देखेंगे, पर बेचारे ट्राई तो कर रहे हैं, यहाँ मिल जाए तो अच्छा है। तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ मिलता है तो आपको बताते हैं। अभी हम लोग नाखुदा मोहल्ले से बाहर निकल गए क्योंकि अंदर इतना रश है कि आगे जाने की जगह ही नहीं थी, तो मजर तो नहीं आना चाह रहे थे तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए। क्या कहना चाहोगे? क्या बोलेंगे, क्या बोले? इतना रास्ता दो तीन बार तो पुतले को सॉरी बोल दिया मैंने। हम लोग दुकान में घुसे तो पुतला था उधर, तो मदर को लगा किसी को धक्का लग गया, तो मदर पलट करते सॉरी सॉरी देखे तो पुतला था। कैसा है भीड़ माशाल्लाह। तो चलो एक और लास्ट दुकान ट्राई करता हूँ, अगर मिला तो ठीक, वरना तुम अपना क्या बोलते ऑनलाइन मंगाना चाहता। चलो इसलिए मैं तो यार थक गया हूँ। अब ये राहिला जो आगे देखेगी कहीं ना कहीं वो बोल रही है, और मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त लोग के साथ अभी, कि मैं थक गया। बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम गया शॉपिंग करने। एक मेरी शादी के टाइम पे गया था रायला की शॉपिंग करने, और एक अभी। क्या बोल रहे हो रायला तुम? क्या करे, नहीं मिल रहा, देखती हूँ मैं इधर बिस्मिल्लाह की गली में भी है ना बहुत तो। हाँ वहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं है ना, मैं आता नहीं तो देख लेती थी, मैं वैसे ही घर चले आऊँगी। हाँ मैं वैसे भी घर चले आऊँगी। ओके क्या ही बताऊँ भाई, उसकी चक्कर में ना पुतलों को सॉरी बोलना पड़ गया मेरे को। मिलते अभी राहिला, देखते क्या लेती है। चलो मैं गई थी शॉपिंग पे, जैसे कि मजर ने बोले थे मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैंने तो बहुत ढूंढी हो, जो मेरे को कपड़ा चाहिए वो मिल रहा ही नहीं, जो कलर चाहिए ना मुझे मेन वो ही नहीं मिल रहा है मेरे को। तो मजर को ही मैंने फिर बुला ली लेने के लिए, क्योंकि बाप रे इतनी भीड़ है कि मैं कहीं ना वीडियो बनाई हूँ इतने देर में ना, हल्दी मेहंदी शादी और क्या होता है निकाह वलीमा सबके कपड़े खरीद लेता, इसको इतने देर में कुछ भी नहीं। तो वो टाइम पे रेड कलर चाहिए रहता है, येलो चाहिए रहता है, अभी मेरे को कुछ यूनिक कलर चाहिए ना इस वजह से। हाँ तो एक काम करो, रेनबो कलर का पहन लो, सात सौ सात कलर का पहन लो, मस्त लगेगा बेटा एकदम एंटिक, सब तुमको ही देखेंगे। और कुछ? तो गाइस अभी हम लोग आए हैं डोटा की, देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग आए सैरी लेने के लिए, और आज गाइस मैं मेरा फेवरेट जगह से कीमा ले रही हूँ, तो ये है सारवी नागपड़ा पे, इधर का कीमा मेरा फेवरेट है ना। Yes. पहले रोजे से बोल रही थी पर ये आना ही नहीं हो रहा था, हम लोग वहीं से ही कहीं बाहर शहरी, ऐसा नहीं बाहर शहरी कर रहे थे, बाहर शहरी और घर पे ला रहे थे, तो हम लोग वहीं से अपने एरिया से ही ले रहे थे। तो आज हम लोग आए हैं फाइनली सारवी का कीमा लेने के लिए। ओके है ना, तो चलो कीमा लेते हैं और फिर और कुछ लेने का वो लेते हैं और फिर घर जाते हैं। आए हैं इडली और मेंदू वड़ा लेने के लिए, साथी है, रमजान बाद भी चालू रहता है, रमजान के बाद मतलब साल भर चालू रहता है, 4 बजे के बाद डोटा की बहुत पसंद है, मतलब जब भी रात में अगर लेट आते ना घर पे कभी लेकर ही आते। तो बन रहा है डोसा, चलो लेते गाइस फिर जाते हैं घर। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैरी हो गई है, तो आप सभी को हमारी तरफ से 24वीं सैरी मुबारक हो, और ये ब्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।